इस समय मैं आरएसपुरा की सिलाड़ पंचायत में हूँ, क्योंकि यहाँ से हमें कॉल आया था और ये कहा गया कि यहाँ का भी दौरा कीजिए। और यहाँ पर लोग पानी की दिक्कत से परेशान है, यानी कि यहाँ के पानी में यूरिया है। तो हमने सोचा ठीक है, हम खुद जाकर चेक करते हैं। और जैसे ही हम यहाँ से गुजर रहे थे, सिलाड़ पंचायत हम पहुँचे, तो हमें सरकारी ख़जाना दिख गया। और ये सरकारी ख़जाना, इसका नाम हैंडपम्प है। इस सरकारी ख़जाने का नाम हैंडपम्प, और ये वो सरकारी ख़जाना है जो बेकार हो गया। ये देखिए, ये सरकारी ख़जाना जो है बेकार है, पानी नहीं है। ये है सरकार का ख़जाना। और इस पंचायत में इसी प्रकार के 5 हैंडपम्प ऐसे हैं, 5 हैंडपम्प। और सरकारी ख़जाना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकार ने लगाया है, तो सरकार का ही ख़जाना है। तो ये सरकारी ख़जाना जो है वो बेकार है, यानी कि वो 5 के 5 हैंडपम्प जो है वो ख़राब हुए। आगे चलते हैं गांव में, गांव वालों से बातचीत करते हैं, गांव के सरपंच से भी बात करेंगे और उनकी राय जानते हैं कि आखिरकार ये सरकारी ख़जाना कब से बंद पड़ा हुआ है, और बंद पड़ा है तो प्रशासन ने इसको फिर से चालू क्यों नहीं किया। समय हम गांव के बीचों बीच हैं और अब हम ये जानते हैं कि गांव के लोग, यानी कि सिलाड़ पंचायत के लोग जो हैं वो किस प्रकार इस पानी को पीते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो आइए देखते हैं कि सिलाड़ पंचायत के लोग जो हैं वो यहाँ पर पानी कैसे पीते हैं, क्योंकि हम जब यहाँ पर आए थे तो हमें ये सिर्फ ये खबर मिली थी कि यहाँ पर जो पानी है उस पानी में यूरिया है। तो एक घर में आए हैं हम और एक किचन है, और यहाँ पर अब पहले तो मैं ये आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है। मैं इन्हीं से पूछूँ, क्या नाम है आपका? रमेश राव। रमेश जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये पानी गर्म करके फिर पीना ठंडा करते हैं। अच्छा। तो फिर यूरिया जो ना चिट्टा चिट्टा हो जाएगा तांबू में। अच्छा। हाँ, वो तो बाहर फेंक देना, पानी करना पुनी फिर पीना है। अच्छा, तो पानी में मतलब यूरिया है? हाँ है। ये कौन सा है, ये जो सरकारी हैंडपम्प लगा है उसमें है या फिर ये जो आपने लगाया? घर में लगाया ना। आपने घर में लगाया? हाँ, जो सरकारी लगा वो तो दूर है काफ़ी है। अच्छा। लेकिन उसका भी पानी खतरा है, लुड़े लड़े आते ना ज्यादा। पीएचई विभाग ने यहाँ पर नल नहीं बनाया? पीएचई लोग आंदा नहीं थे, कोई ट्यूबवेल वगैरह है यहाँ? नहीं, ट्यूबवेल लगे थे बौली। अच्छा। मानपुर के कोल। हाँ। उस ट्यूबवेल का पानी आता है, आता है। वो भी पैपा पूपा लोग हमारे पता नहीं कुछ बची बुची उड़ते लोग पुटी। हाँ। कोई पानी नहीं आता इतने, नहीं आता ना। फिर तो ये पानी आपके लिए तो मुसीबत बन गया। वो मुसीबत तो क्या करें, फिर गर्म करके पी लेने की करना था। इससे तो फिर आप बीमार भी हो सकते हैं। बीमार तो उतने दस है यूरिया मेरे। अच्छा है यूरिया? हाँ, 7.2 है यूरिया मेरे। 7.2 इसी पानी से? हाँ, बहुत दर्द है। ये भी हड्डी ना, हड्डी ये थले लगती नहीं है इस वजह से। अच्छा। इन्हीं दर्द है, अभी भी दर्द है, मैंने दवाई खानी है थोड़ी ठीक हो जानी। तो देखिए ये हाल है सिलाड़ पंचायत का, और ये पानी इस समय बॉयल हो रहा है, और इस पानी में ठंडा होगा ना, फिर इसे जमना होगा यूरिया। तो जैसे ही ये पानी ठंडा होता है, हम आपको वो भी दिखाएंगे कि यहाँ के, यानी कि सिलाड़ पंचायत के लोग किस प्रकार का पानी पीने में मजबूर है। और सबसे अहम बात यह है कि सिलाड़ पंचायत में जितने भी सरकारी हैंडपम्प लगाए गए हैं, तकरीबन सभी बंद पड़े हुए हैं। तो पानी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो पानी की परत, यहाँ पर पानी, ये जो यहाँ पर ये परत बनी है ये सफ़ेद कलर की, ये देखिए स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है कि ये यूरिया है। यानी कि पानी जब धीरे धीरे ठंडा होता है तो ये यूरिया जो है वो साइड पर जमा हो जाता है। तो सोचिए कितना मजबूर है ये यहाँ पर ये यूरी वाला पानी पीने के। शासन जी कहाँ पर हैं, पीएचई विभाग कहाँ पर है? क्या नाम? सोमदास। सोमदास जी, पानी पी रहे हो? पानी पीने की, पानी पीने लायक नहीं है। ये चक्कर यूरिया इसमें बहुत आता है, गंदा पानी आता है। यूरिया? हाँ जी। कितने साल हुई है? एक बार दूसरा काल ही, इसके पहले यूरिया था। अच्छा। हाँ जी। हाँ हाँ जी, ये पीछे बीमार हो जाते हैं, गले खराब हो जाते हैं, पेट में गड़बड़ी हो जाती है जी, इस वजह से हम पीला लेते हैं जी पानी गर्म करके। कितने साल हो गए?
होगा 20-25 साल 20-25 साल से पानी पी रहे हो? हाँ जी। बीमारियां तो होती होंगी? होती हमारे बहुत ज्यादा बीमारी चला जी, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है जिसे कोई बीमारी नहीं है जी। अच्छा, कोई आया नहीं इसको देखने यहाँ? कोई नहीं आता जी। क्या कहते? चलो जी, निकल दीजिए, करेंगे करेंगे। अच्छा, करता कोई नहीं है? करता कोई नहीं है। सरकारी नलका नहीं लगा? सरकारी लगे जी, चलो वो भी देखो, उसके पीछे गंदा पानी आ रहा है जी। उसमें भी गंदा पानी आ रहा है जी सर। ट्यूबवेल बना होगा? ट्यूबवेल बंद पड़ा जी। बंद पड़ा जी, कितने साल से? ट्यूबवेल बंद जी 15 साल हुई है। 15 साल? आपका क्या नाम सर? बलवंत राज जी। बलवंत जी, कितने साल से पानी खराब है? पानी तो बहुत देर का खराब है, बहुत देर का, 15-20 साल हो रहे हैं। अच्छा। जो ट्यूबवेल अभी बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, बाकी जो पाइपें लगाए हुए हैं जो पीएचई वालों ने, वो भी सारी ब्लॉक है पाइपें, पानी आता ही नहीं हमारे। अच्छा। क्योंकि कम से कम बहुत बुरी हालत है, जो जिसके पास वो साधन है, चाहे पानी गर्म करने का, चाहे किसी लिए, चाहे किसी कैंप लगा लेते हैं, कैंप लगा देते हैं, आजकल बाहर से आता है पानी, वो लोग लेते हैं, जिसके पास पैसा वो तो लेगा, जो गरीब है वो बेचारा कहाँ से लेगा। तो आपने कभी किसी से आला अधिकारी से बात नहीं की? आला अधिकारी हमारा सरपंच है, हमारा सरपंच हमने इधर बुलाए थे, जो मीटिंग चली हुई है इधर, इसमें सरपंच के पास कोई बंदा नहीं आया हुआ है। अच्छा। जो जो होसर थे, जो मुलाजिम आए नहीं है, जो ट्यूबवेल लगा, ट्यूबवेल लगा हुआ है। इस समय मेरे साथ सिलाड़ पंचायत के सरपंच प्रताप सिंह है। प्रताप जी, हमने गाँव का दौरा किया, गाँव वालों का कहना है कि वो मजबूर है यूरिया वाला पानी पीने में, क्या कारण क्या है? मैं सरपंच सलैड प्रताप सिंह, मेरे जहाँ पे ट्यूबवेल भी सरकार ने लगाया है, लेकिन वो 13 साल से ठप पड़ा है, बंद पड़ा है। मेरी पंचायत में तकरीबन पाइप भी बिछी हुई है, लेकिन वो भी कहीं कहीं भी ब्रेकेज है, बंद है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर है, पानी नहीं चलता उसमें, पानी नहीं चलता है, जो इसका मेन सिस्टम है वो ही बंद पड़ा है। दूसरा, लोगों ने अपना अपना बंदोबस्त किया है हैंडपंप का, उसमें पानी जो है गंदा आता है। अगर हम 1 घंटा पानी भरकर बोतल में रखते हैं, उसका रंग पीला या हरा होना शुरू हो जाता है, तकरीबन यूरिया मिला होगा उसमें, तो पानी की हमारे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। प्रताप जी, आपने इसकी शिकायत जो है वो आला अधिकारियों से नहीं की, क्योंकि इस पूरे पंचायत की जिम्मेदारी है आप पर, लोगों ने आपको अपना बहुमूल्य वोट देकर जिताया है, नुमाइंदा बनाया है आपको, तो आपकी तो जिम्मेदारी बनती है। मैंने पीएचई के जेई साहब से भी बात की है, उन्होंने बोला है कि ये जो 13 साल से आपका ट्यूबवेल बंद पड़ा है, इसको भी रनिंग हालत में कर देंगे, 1 पॉइंट हम नया बनाएंगे, जो मेरे गांव के पास में ही पड़ता है, जिसका नाम शमशानगढ़ है, उधर जगह काफ़ी है, उधर बनाने के लिए उन्होंने बोला, आश्वासन दिया है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई अभी तक कोई नहीं हो रही है। कब बनाएंगे? जेई साहब ने तो कह दिया, जेई साहब कब बनाएंगे आप? जब यहाँ के लोग बीमार हो जाएंगे, जब यहाँ के लोग ये गंदा पानी पीकर मर जाएंगे, तब शायद पीएचई डिपार्टमेंट जो है वो जागेगा। तो ट्यूबवेल 13 साल से बंद है, तो अब जाकर पीएचई विभाग को ये होश आया है कि नहीं, 13 साल पहले ट्यूबवेल खराब हुआ है, अब हम उसको बनाने की सोच रहे हैं जी। अब वो भी पक्का नहीं है, बने या ना बने, इसका कोई पता नहीं है पीएचई महकमे का, लोगों को इतनी दिक्कत है, जो तो थोड़े 80 कंडीशन में लोग हैं, उन्होंने अपने कैंट वगैरह लगाए हैं, जो बेचारा गरीब बंदा है वो इसी पानी को पीता है, जो कि अनेक बीमारियाँ हो रही हैं, ये अच्छा नहीं है। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी जो है बंदोबस्त किया जाए, ताकि लोग अच्छा पानी पी सकें। हमारे इधर कुछ ट्यूबवेल भी, सॉरी, नलके भी लगे हैं, गवर्नमेंट ने लगाए हैं, लेकिन उनका भी पानी जो है खराब है, पता नहीं, ज़्यादा उनको दोबारा से सफाई करके लगाना पड़ेगा, मतलब ठीक नहीं है कोई भी हैंडपंप। आज तक कभी कोई पीएचई विभाग द्वारा या फिर कोई ऐसे अधिकारी नहीं आए जो आपके पानी की टेस्टिंग करें कि पानी सही है या फिर खराब है? जहाँ पे कोई पीएचई का बंदा नहीं आया है। अभी ये जो बैक टू बिल जो हुआ है 3, इसमें भी टोटल का पीएन भेज देते हैं, कोई आला अधिकारी अफसर कोई नहीं आता है, टोटल का भेजते हैं हाजिरी लगाने के लिए। तो मैंने तो कईयों को वापस भेज दिया, जाओ अपने अफसर को भेजो, लेकिन कोई हमारे पास नहीं पहुंचा है। ये है बैक टू विलेज 3 की कहानी। जब बैक टू विलेज शुरू हुआ था और सब कह रहे थे कि अब सरकार जो है वो गांव-गांव में जाएगी, आला अधिकारी जाएंगे, लेकिन सरपंच, सिलाड़ पंचायत के सरपंच खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी बड़ा आला अधिकारी नहीं आया है, बस एक प्यून को भेज दिया है हाजिरी लगाने के लिए। हाजिरी लगा दी, सिलाड़ पंचायत के जितने भी लोग हैं वो खुश हो गए, और आप पीजिए यूरिया का पानी। नहीं, हम खुश नहीं हैं, हमने वापस भेज दिया उसी टाइम उनको कि जाइए अपने आला अधिकारी को भेजें, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई हमारे पास नहीं आया, कोई नहीं आया। वादे बड़े बड़े यही होता है,
ऊंची दुकान और फीके पकवान। और ये जो है ना, ये पानी नहीं निकल रहा है इसमें से, ये देखिए ये जहर है। तो जिस ट्यूबवेल का जिक्र पूरी सिलाड़ पंचायत के लोगों ने किया, सिलाड़ पंचायत के सरपंच ने किया, इस समय मैं उसी ट्यूबवेल के पास हूँ। ये देखिए, ये वो महान ट्यूबवेल है, सरकार का खजाना, सरकारी खजाना। और ये वो महान ट्यूबवेल है जो पिछले, हमारी जानकारी के मुताबिक लगभग पिछले 20 साल से ये ट्यूबवेल बंद पड़ा हुआ है, जिसके बारे में सरपंच ने भी बताया कि ट्यूबवेल जो है वो ख़राब है, जिसके बारे में जे साहब कहते हैं कि बस अब बहुत जल्द इसका काम जो है वो चालू हो जाएगा, फिर से सिलाड़ पंचायत के लोगों को पानी मिलेगा। लेकिन जे साहब 20 साल से ये ट्यूबवेल बंद था, सरकारी खजाना बंद था, तो सरकारी खजाने में से दो बूंद अगर इन लोगों को भी मिल जाती, सिलाड़ पंचायत के लोगों को मिल जाती, तो सोचिए कितना अच्छा होता। ये लोग दुआएं देते पीएचई विभाग को, लेकिन जिस प्रकार के हालात जो हैं वो सिलाड़ पंचायत के बने हुए हैं, उससे कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि पिछले 20 साल में अगर ये ट्यूबवेल चालू नहीं हुआ हो पाया, तो क्या आने वाले अगले 20 साल में क्या ये ट्यूबवेल फिर से चालू होगा या फिर नहीं। उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट के बाद ये हमारी जो स्टोरी थी ये हमने आप तक, आम जनता तक पहुँचाई। इस स्टोरी को देखने के बाद प्रशासन को भी थोड़ी सी दया तो सिलाड़ पंचायत के इन लोगों पर ज़रूर आएगी, और वो भी ये सोचेगी कि सिलाड़ पंचायत के लोग आने वाले समय में यूरिया वाला पानी ना पिए। आप लोग देखते रहिए आरली पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, सिलाड़ पंचायत आरएसपुरा।